राहुल गांधी जी के घर को और सदस्यता को छीनने में 2 दिन लगा, सदस्यता को रद्द करवाने में 4 दिन लगा, और हमारी बहनों जिसकी इज्जत सरेआम नंगा जिसको परेड किया जा रहा है, जिसके क्लियरली वीडियो में बाकी फेसेस दिख रहे हैं कौन कौन है, उनके गुनहगारों को सजा दिलाने में पकड़ने में भी 63 डेज में पकड़ा नहीं गया। स्मृति ईरानी हो, वो चुप है। क्यों चुप है? उनकी बेटी के बारे में सिर्फ आरोप लगाया गया, तो सिली सोल्स बार वाले इसने, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बाहर निकली। और इन दो बेटियों पे ये जो हुआ है उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकती है? नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ चिराग झा। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, मणिपुर में हिंसा को एक लंबा वक्त हो चुका है, सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। कल जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो काफ़ी शर्मसार करने वाला वीडियो है। जिस तरीके से महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़क पर चलाया जा रहा है, वो वीडियो ऐसा है कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट नेटा डिसूजा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या हालात हैं, और जो ये वीडियो सामने आया है महिला का, इसको कैसे देखती हैं आप? ये वीडियो जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। मुझे विश्वास है कि कोई भी सेंसिटिव ह्यूमन जिनके वैल्यूज़ हैं वो इसको देखने के बाद पूरे तरीके से उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ये उनको नींद नहीं आएगी। मैं कल से जब से ये देखा है, चैनल्स के साथ बात करते हुए प्रदर्शन के दौरान, ये वो जितने बार इसके बारे में याद करते हैं, इस बात पे बोलने जाती हूँ, मुझे घाव जो है वो और गहरा होते हुए मुझे महसूस हो रहा है। देश की बेटियाँ थी है, मणिपुर भी भारत का हिस्सा है, और हमारे ये देश की बेटियों के साथ जो हुआ है ये अमानवीय सिर्फ नहीं, ये और दुख की बात साथ साथ ये है कि ये घटना को हुए 78 डेज हो चुका है, FIR लॉज हुए 63 डेज हुआ है, और एक ऐसे हाई टेक रिजीम के दौरान जब मक्खी भी उड़े ना, उनको पता चलता है केंद्र में बैठे हुए सरकार को, और इसके बारे में चुप्पी 63 डेज तक। जो विश्वास है ये पूरे डिटेल्स होम मिनिस्ट्री से लेके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास होगी, तो चुप्पी तो उन्होंने मणिपुर के हिंसा पे तो तोड़ी नहीं, पर इस पे रिएक्शन वो 63 डेज के बाद दे रहे हैं। ये साफ साबित हो रहा है कि बिसाइड्स द 150 डेथ्स, 65,000 पीपल बीइंग होमलेस, ऐसे बहुत सारे और किस्से हो गए जहाँ पे महिलाओं के शरीर को के साथ घिनौनापन किया गया होगा। तो जैसे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा आप लोग लगातार मांग रहे हैं, और इस जो ये घटना आई है इस पर भी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो कार्रवाई कराएंगे, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्या कार्रवाई, कौन कार्रवाई? कभी कभी सब हेल्पलेस फील कर रहे हैं हम अपने आप को कि हम कैसे डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जहाँ पे कार्रवाई के लिए 63-64 डेज लग रहा है। राहुल गांधी जी के घर को और सदस्यता को छीनने में 2 दिन लगा, सदस्यता को रद्द करवाने में 4 दिन लगा, और हमारी बहनों जिसकी इज्जत सरेआम नंगा जिसको परेड किया जा रहा है, जिसके क्लियरली वीडियो में बाकी फेसेस दिख रहे हैं कौन कौन है,
उनके गुनहगारों को सजा दिलाने में पकड़ने में भी 63 days में पकड़ा नहीं क्या? वी नीड टू दिस गवर्नमेंट नीड्स टू बेरी देयर हेड इन शेम. इट इज हाई टाइम दे राइज अबाउट पॉलिटिक्स. एक महिला की कोई जाति या कोई धर्म या कोई महिला की यू नो जब महिला इस की महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या महिलाओं की आई एम सॉरी आई कांट इवन यूज दोज वर्ड्स बिकॉज इवन थिंकिंग अबाउट दोज वर्ड्स इज पेनफुल. ये सब चीज़ों से उठना पड़ेगा हमें. एंड स्मृति ईरानी हो वो चुप है. क्यों चुप है? उनकी बेटी के बारे में सिर्फ आरोप लगाया गया उस सिली सोल्स बार वाले इसमें, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बाहर निकली. और इन दो बेटियों पे ये जो हुआ है उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकती है? जी मेरा सवाल उसी पे है क्योंकि आज जो आपने धरना प्रदर्शन दिया जंतर मंतर पर, वहाँ पर आपने कई मुद्दे उठाए और स्मृति ईरानी के भी पोस्टर्स वहाँ पर लगाए हुए थे आपने, कि आप उनसे जानना चाह रही थी कि वो भी कुछ एक्शन लें या फिर कुछ बोले मणिपुर पर. तो आप जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उस पर ज़रा बताइए कि कैसा विरोध प्रदर्शन था आज का और स्मृति ईरानी से क्या सवाल है आपके? देखिए भाई साहब, आई डोंट नो विरोध प्रदर्शन कैसे हुआ क्या हुआ. नो दिस I really am not even bothered about that. All we want is justice for the women. It's painful. It's hurting. It's demoralizing to the women of the nation. And as a woman, today if I think about what is happening, I don't see सेफ्टी लेफ्ट. आज ये इन दो बेटियों के साथ हुआ है, कल भगवान न करे आपकी कोई रिश्तेदार, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी या मेरे साथ हो, क्या ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल है? एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारे नारे देते हो और दूसरी ओर जब बेटियों के साथ मणिपुर की भी बेटियां देश की बेटियां हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों मणिपुर के बेटियों को देश की बेटियां नहीं समझे अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और 3 मई को हिंसा की घटनाएं शुरू हुई थी. अगर 3 मई को ही प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ते, 3 मई को अगर प्रधानमंत्री जी अपने आप को देश का प्रधानमंत्री साबित करते, जो कि हालांकि वो व्यस्त थे अपने आप को भाजपा का प्रधानमंत्री साबित करने में, कर्नाटका के चुनाव में ये विदेश गए, यहाँ आए वहाँ गए, मन की बात दो बार इस दो महीने में, पर क्या उन्होंने कभी भी मणिपुर के हिंसा पे बात रखी? और मैं ये समझती हूँ कि उनके अगर वो चाहते अपने आप को देश का प्रधानमंत्री, अगर वो सही मायने में समझते अपने आप को, तो वो 3 मई को जब हिंसा भड़क उठी वहाँ पे मणिपुर में, वो प्रधानमंत्री का फर्ज और धर्म निभाते, वो शांति का दूत बन के जाते या प्रधानमंत्री जी एटलीस्ट मणिपुर के मुद्दे पे बात करते और मणिपुर के लोगों से अपील करते कि वो वहाँ पे शांति बनाए रखे, तो शायद आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता. जी वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर सार्वजनिक तौर पर प्रेस के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने ये भी कहा कि जो वीडियो सामने आया उसको वो गंभीरता से लेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे. इस दौरान उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, इसको कैसे आप देखती हैं? प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद थी 50% आबादी इस देश की है हम, हमें उम्मीद थी कि मानसून सेशन का पहला स्टेटमेंट उनके मुँह से
महिलाओं के बारे में होनी चाहिए थी इन मुद्दों पे। पर दुख की बात है कि ये उनके एजेंडा के तीसरे या चौथे नंबर पे था। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी अपना हाथ धो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हैं। रही बात राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की, वहाँ के जो पूरा जो मिनिस्टर्स, वहाँ के जो लीडरशिप है, वो कोई ऐसे मुद्दे पे को छोड़ते नहीं है। वो दे इंश्योर कि जितने भी परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम हो उसको पनिशमेंट मिले। वो इंश्योर करते हैं कि जो उन घटनाओं से रिलेटेड है उनको जल्द से जल्द पकड़ाया जाए, 63 डेज के बाद नहीं। एक आखिरी सवाल नेटा जी आपसे, आप महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चों का भी पलायन हुआ है, उन्हें घर छोड़ना पड़ा है। हम देख रहे हैं आपको लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मदद की मांग को लेकर। कैसे आप इसको देखते हैं कि किस तरह की समस्याएं महिलाएं झेल रही हैं इस वक्त मणिपुर के अंदर? देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को वायलेंस का कीमत चुकाना पड़ता है तो वो महिलाओं को और बच्चों को चुकाना पड़ता है। और मैं इस वक्त मणिपुर के महिलाओं के साथ, मणिपुर के बहन, मणिपुर के माताओं के साथ खड़ी हूँ। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी जी गए थे वहाँ पे, किस तरीके से मणिपुर के जो महिलाएं जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे थे वगैरह, इन्होंने अपनी बातें रखी उन पर। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हम हर वो कोशिश करेंगे कि हम इनके ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण ले आए। मैं आपके माध्यम से उन बेटियों को जिन पे ये हादसा हुआ है, उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैं उनका दुख दर्द, मैं उनका दर्द समझ पा रही हूँ। उनका दर्द और उनके परिवार का दर्द, पता है कभी कभी बीइंग अ वुमन की जान चली जाए, कोई मर जाए, तो वो पर हाउ विल दीज, मैं सोचती हूँ कि ये बहनें, ये हमारी बेटियाँ कैसे इस स्टिग्मा, कैसे इस पीड़ा के साथ अपने ज़िंदगी निकालेंगे। Their lives have been distorted, and it is high time everybody rises above politics, everybody rises above their personal agendas and sees to the safety of women in the country. Manipur is an integral part of India. The women of Manipur are equally Indians. India means Manipur to us. We stand by every Manipuri during this period of uncertainty, pain, grief, turmoil. Manipur must emerge stronger, and we want peace in Manipur. तो मणिपुर के हिंसा पर आप सुन रहे थे महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट नेटा डिसूजा को। इसी प्रकार तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।